दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून के बाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों आज बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के, मान लो किस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे में क्या प्रत्येक तारीख पे सुबह जाना अनिवार्य है क्या नहीं है, या प्रत्येक तारीख पे सी पर वहाँ कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है कि नहीं, इस बारे में आप बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आपको बता दूँ, केस का प्रकार अलग हो सकता है, केस अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लो कोई फौजदारी प्रकरण है तो आपको उस प्रत्येक तारीख की बजाय आप अपने वकील के माध्यम से, अगर आपको इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट काम आ जाते हो, आप अपने वकील को बोल सकते हैं, वो आपकी हाजिरी माफी लगा सकता है, मतलब खुद वकील उपस्थित हो सकता है। लेकिन मान लो बहुत इस प्रकार के संगीन अपराध है, 302 है, 376 है, उसमें आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर जाना जरूरी है। लेकिन बाई दफा ऐसा हो जाता है, आपके परिवार में डेथ हो जाती है, आपके कास माता पिता या कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो आप उसमें भी आपको छूट मिल सकती है। लेकिन आपको वकील को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, वकील वहाँ हाजिरी माफी लगाना पड़ेगा, आपकी उपस्थिति वकील देखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रकार के जैसे सिविल हैं, MSET के हैं, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें आपको तारीख पेशी में कभी कभी आपको बुलाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मैटर इस प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया, फौजदारी में क्रिमिनल में सिविल है, सिविल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आपकी ज़रूरत पड़े एविडेंस आदि में वहाँ ही उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन जो संगीन प्रकार के जो मैटर होते हैं उनमें आपको उपस्थित अनिवार्य हो जाती है, जिस प्रकार के मैंने बता दिया कि फौजदारी क्रिमिनल, इनमें आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होना है। लेकिन आपका जो वकील है उनके माध्यम से आप अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, इमरजेंसी इस प्रकार के कोई कारण होता है, तो आप उसमें आपके वकील के माध्यम से, तो सुनो आज ये माफी वकील द्वारा पेश की जाती है कि ये इस कारण से हमारा मुलजिम उपस्थित नहीं हो सकता, कारण बताने के बाद। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर अगर एक से दो या तीन पेशी से ज़्यादा अगर आप झूठा बहाना बनाते हो तो कोर्ट आपको बख्शेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है। जमानत जब्त कर रहा होता है कि आपकी गिरफ्तारी वारंट आपके जारी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने केस में प्रत्येक तारीख पेशी पर जाना है, लेकिन सिविल मैटर को छोड़ के, MSET हो या सिविल हो, इन मैटर को छोड़कर आपको इनमें तारीख पेशी में जाना अनिवार्य नहीं। लेकिन जो क्राइम से संबंधित सिविल फौजदारी क्राइम होते हैं उनमें आपको तारीख पेशी पर जाना अनिवार्य है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब